नमस्कार, मैं गेंद्र विश्वकर्मा, हमारे केकेएल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे धनबाद के मुथूट फाइनेंस में जो डकैती हुई है उनके बारे में। तो चलिए हम बताते हैं कि धनबाद के धनसार मुथूट फिन कॉर्पोरेशन में जो डकैती के प्रयास में शामिल अपराधियों की सहायता करने वाले संदेह पर सोमवार को धनसार पुलिस ने गांधी रोड स्थित बाबूलाल गली निवासी किशोर कुमार सोनी से पूछताछ की। मुंबई से लौटने के बाद सोमवार को किशोर कुमार सोनी अपनी पत्नी व पुत्र वधु के साथ पुलिस के बुलावे पर थाना पहुंचे थे। पुलिस ने घंटों किशोर सोनी पत्नी व पुत्र वधु से पूछताछ की। बाद में किशोर सोनी की पत्नी व पुत्र वधु को छोड़ दिया। वहीं किशोर सोनी को अब हिरासत में ले लिया है। मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में शामिल अपराधियों को बिना आईडी प्रूफ किराए पर घर देने का आरोप है। किशोर कुमार सोनी ने पुलिस को बताया कि गांधी रोड स्थित एक कमरे को किराए पर देने के लिए उन्होंने अपना नंबर मकान के ऊपर एक बोर्ड पर लिखा है। 2 सितंबर को उनके मोबाइल पर ये नंबर है 9609948874 से फोन आया। फोन की दूसरी ओर से एक अपराधी ने अपना नाम सूरज जायसवाल बताया। उसने मकान को किराए पर लेने की इच्छा जाहिर की। मकान का भाड़ा 2800 रुपये है तय हुआ। अपराधी ने अपने उक्त मोबाइल से ही गांधी रोड में रहे किशोर सोनी के छोटे भाई की पत्नी से उनकी बात करवाई। 2000 रुपये किशोर सोनी के छोटे भाई की पत्नी को दिया। अपराधी ने शेष 800 रुपये की आईडी प्रूफ 3 सितंबर को देने की बात कही। इसके बाद 3 सितंबर को किशोर ने अपराधी के मोबाइल पर फोन पे कर 800 रुपये और आईडी प्रूफ देने की बात कही। इधर अपराधी ने कहा कि 4 सितंबर को मकान में रहने लगेंगे, तब तक आईडी प्रूफ व बकाया राशि दे देंगे। बताया कि अपराधी 4 सितंबर से ही उनके मकान में रहने लगेंगे और उसी दिन किशोर अपनी पत्नी का इलाज के लिए मुंबई रवाना हो गए। किशोर सोनी द्वारा अपराधियों का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वहीं बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर और हाजीपुर में 2 डकैतों का गिरोह पकड़ा गया है और बिहार पुलिस द्वारा की ओर से दी गई जानकारी के बाद वरीय अधिकारियों निर्देश पर धनसार पुलिस के 3 सदस्य एक टीम रविवार को ही समस्तीपुर के लिए रवाना हो गई है।